गाइस, जैसा जैसा हमने प्लान किया था मेरी लास्ट वीडियो में कि कैसे बिटकॉइन का मूव लिटिल बिट पहले पंप होगा, फिर उसके बाद डंप होना स्टार्ट हो जाएगा, एवरीथिंग बीटीसी जो है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेट मी शो यू गाइस, मैंने कहा था जैसे ही बिटकॉइन इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक छोटा सा बाइंग प्रेशर दिखेगा ऊपर जाने के लिए। मैंने आपसे साफ शब्दों में कहा था, यदि आप लॉन्ग ओपन करते हो 3x यूज करके नियर अबाउट $31,750 पे, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो नियर अबाउट $32,500 के आसपास। यदि आप देखोगे इसको तो नियर अबाउट जो था बीटीसी टच कर गया अपने हाई इसमें टच किया नियर अबाउट $32,429 पे। जैसे इस प्राइस पे आया, मैंने भी लॉन्ग ओपन किया था, तो जैसे इस पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ मैं समझ गया कि इसका जो अब पॉसिबिलिटी यही है कि ये $33,000 तक थोड़ा नहीं जा पाएगा, तो मैंने अपनी सेल लॉन्ग क्लोज करके अपना प्रॉफिट जो था वो क्विकली बुक कर लिया। नियर अबाउट मुझे $2,000 का प्रॉफिट हुआ था और मैंने छोटा ही स्कैल्प किया था, बड़ा नहीं किया क्योंकि मार्केट इज हाईली रिस्की। ओके, तो उसके बाद प्राइस जो था वो एकदम से नीचे आ गया और आप देख सकते जो मैंने की लास्ट टाइम मैंने कहा भी था, ये जो क्रिटिकल जोन है नियर अबाउट $31,000 से लेके $29,000 लेवल, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो बिटकॉइन में बहुत ज्यादा सेल प्रेशर आ सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ फंड इन द मार्केट रिगार्डिंग टू बाइनांस ग्रेस्केल बिटकॉइन अनलॉक, थर्ड वन इज दैट चाइना फंड्स। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि बाइंग प्रेशर जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं और जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इन शॉर्ट्स में यदि कहूँ, जो सेंटिमेंट है वो स्टिल बेरिश है और बिटकॉइन जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक कोई एलन मस्क या इनके जैसे ही कोई बड़ा मेंबर ना आ जाए क्रिप्टो फील्ड में और बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज लेके आए और उसको पंप करना स्टार्ट कर दे, टिल देन आई एम स्टिल बेरिश। ओके, इस बार बिटकॉइन आप देख सकते हो $30,700 के लेवल पे है, बहुत ही क्रिटिकल जोन लेवल है। स्टिल नो डिसीजन कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्कल्पिंग करना चाहते हो, मैं आपको नेक्स्ट स्कल्पिंग का ऑप्शन दे सकता हूँ। ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, आप देख सकते हैं, बट लेट मी टेल यू इट्स रियली वेरी रिस्की राइट नाउ, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां से ये हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है। और अगर बिटकॉइन आप देखो, जरा मैं दिखाता हूँ, बिटकॉइन जो है इस फॉलिंग वेज पैटर्न पे काम कर रहा है, अगर तो ये ब्रेक नीचे की तरफ होता है तो इसका टारगेट क्या रहेगा, लेट मी शो यू। जो इसका टारगेट रहेगा वो नियर अबाउट यहाँ से यदि वो ब्रेक करता है तो इसका टारगेट जो है वो $27,500 के आसपास है। बट यदि दोस्तों मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूं, अगर बिटकॉइन जो है इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक नीचे की तरफ नहीं कर पाता सक्सेसफुली और एक सडन रिवर्स प्राइस में देखने को मिलता है तो क्या हो सकता है? वेल, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जो मैनिपुलेशंस हैं वो बड़े एक्सचेंजेस के थ्रू होती ही रहती है, और जब भी क्रिटिकल जोन से प्राइस जो है बिटकॉइन का नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो एक सडन प्राइस में पंप और डंप देखने को मिलता है, ताकि जो हाई लेवल पीपल हैं वो सडनली वॉश आउट हो जाए मार्केट से, ताकि उनको बड़ा प्रॉफिट ना देना पड़े एक्सचेंजेस को। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस अगर बड़ा बड़ा प्रॉफिट देने लग गई लोगों को तो उनकी जेब खाली हो जाएंगी, तो एक्सचेंजेस ये सब नहीं करने वाली। सो जो दूसरा सिनेरियो ये बोलता है कि अपने को एक सडन पंप देखने को मिल सकता है बहुत ही छोटे लेवल पे, यहां से इसको रीटेस्ट कर सकता है $31,000 टू $31,500 लेवल को, और फिर वहां से अगेन फर्दर बैक और पॉसिबिलिटी इस लेवल को ब्रेक डाउन करके प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। बिकॉज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्राइस जो है वो हाईली ओवरसोल्ड है 1 आवर चार्ट पे, तो ये छोटी सी स्पाइक अप डाउन आ सकती है। ओके, तो डोंट यूज हाई लेवरेज। जो लॉन्ग टर्म होल्डर है इसको बाय इन पार्ट स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि उसको 3 से 4 पार्ट में बाय कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इससे क्या होगा, आपका एवरेज आउट हो जाएगा। ठीक है, यदि बिटकॉइन का प्राइस नियर अबाउट $28,000 आता है, थोड़े से बाय कर लीजिए, फिर जैसे ही $25,000 के आसपास आता है थोड़े और बाय कर लीजिए, और $20,000 के आसपास आता है तो कम से कम आपका जो 30% USDT है वो बिटकॉइन में डाल दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन जा रही है, पहले मैं एक, ठीक है ना, ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन जा रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन है बिटकॉइन के लिए। आप देख सकते हैं लास्ट 2020 में भी इसी ने सपोर्ट किया था और नेक्स्ट सपोर्ट नियर अबाउट $11,000 के आसपास मिला था, जिसके कारण हमें एक बुल रन देखने को मिला और लोगों ने लाइफ चेंजिंग गेन्स किए इस ट्रेंड लाइन के थ्रू। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट जो है $20,000 के आसपास आ रही है, और यदि आप क्विक स्कैल्पिंग लेना चाहते हो
इसको एक एडवांस बाय बिड लगा दीजिए $20,000-$21,000 के आसपास। जैसे प्राइस वहां पे आए एकदम स्पाइक की तरफ ऊपर जाएगा, जिसके कारण आपको क्विक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट एज ए लॉन्ग टर्म होल्डर मैं भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर बिटकॉइन ऐड करूंगा, थोड़े बहुत पैसा जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो $65,000 की वैल्यू है बिटकॉइन, जो कि हमें मोर देन 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो $65,000 को भी ब्रेक करेगा। और तो गाइज स्टिल इट्स वेरी चीप। दोस्तों मैं आपको एक प्रीमियम टिप शेयर करता हूँ, बहुत ही प्यारी टिप है, इसको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना है मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको। देखिए पहली बात तो ये, जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं वो क्विक गेन करना चाहते हैं और रातों रात रिच बनना चाहते हैं, बट रियलिटी बेस पे यदि बात की जाए जो लॉन्ग टर्म होल्डर होता है वही अनबिलीवेबल रिटर्न्स पाता है और रिच होता है। ऐसी मैंने बहुत सी एग्जांपल अपनी प्रीवियस वीडियोस में दी है, यदि आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है आपको अमीर बना सकती है सिर्फ मात्र 1,000-10,000 लगा के, समझ रहे हो। विद प्रूफ के साथ मैंने शेयर किया है इन प्रीवियस वीडियो में, यदि आप देखोगे लाइक डोज कॉइन के बारे में, शिबा इनू कॉइन के बारे में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया, $12 से कैसे मैंने 13,75,000 रुपए कमाए सिर्फ 4 महीने के अंदर एंड मेनी मोर। ओके तो चलिए मैं आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप देता हूँ। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना दोस्तों, वो कभी भी ये नहीं देखता कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ रहा है या नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि अब ये कितनी देर एक्युमुलेशन जोन में रहेगा या कितना और नीचे जाएगा। एक्चुअल में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि हमें कितने डिस्काउंट पे ये चीज मिल रही है। आई मीन टू से अब आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो था वो $64,000 के आसपास था, ठीक है, यहाँ पे, और जो अब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो $30,700 के आसपास चल रहा है। तो फायदा क्या है इसमें, उनको फायदा ये 56% ऑफ मिल रहा है भाई, 56% डिस्काउंट पे मिल रहा है बिटकॉइन। और यदि अब आप अभी भी आप बाय नहीं करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, एक्युमुलेशन नहीं करोगे, तो फिर आप क्या कर रहे हो यार, यू गाइस विल नेवर गेट रिच। क्यों, आपने बाय किया, थोड़ा सा पैनिक सेल प्रेशर आया शॉर्ट टर्म में, आपने लॉस में सेल कर दिया। आई होल्ड करना सीखो, पेशेंस रखो, यू गाइस विल गेट रिच। ओके अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, पहले देखेंगे वाओ 56% डिस्काउंट पे मिल रहा है, उन्होंने थोड़े बहुत बिटकॉइन बाय कर लेने हैं, ठीक है। जैसे इसका प्राइस $25,000-$20,000 के आसपास जाएगा फिर वो और बाय करना शुरू कर देंगे, कि वो थोड़ा पैसा डालते रहे हर महीने हर 15 या 20 दिन में, जिसके कारण वो एक्युमुलेट करते रहे और विश करते रहेंगे नहीं यार बिटकॉइन थोड़ा और नीचे आ जाए, लेट मी एक्यूमुलेट और मुझे एक बैग बड़ा बैग भर लेने दे ताकि मैं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कर सकूं तेरे थ्रू। तो इसी वजह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं दे विल गेट रिच इन नेक्स्ट 5 years, बट यू गाइस विल गेट अगेन लूजिंग योर मनी, मतलब कि पैसा लूज करते जाओगे आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप पैनिक सेलर बन जाते हो, जैसे बड़ा डंप देखा थोड़ा सा घबरा जाते हो और वहीं से वो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी होता था पहले, बट अब मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। शॉर्ट टर्म पे 5-6 महीने की बात होती है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो अप जाना शुरू कर देती है और बहुत ऊपर तक जाती है। अब जानते हो पिछले 10 सालों में बिटकॉइन ने हमेशा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही दिखाया है ऊपर अपसाइड पे। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस देखोगे तो $0.01 था यार 10 साल पहले, और आज वो $64,000 टच करके $35,000 पे बैठा है। तो अभी भी आप लॉन्ग टर्म की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई गाइस मेरे जो मोस्टली सिग्नल्स होंगे वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ही होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग कीप स्माइलिंग, बाय बाय।